वेलकम टू दियारा पर। और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं तंदूरी मेयो। फील दूध का दे रहा है, गाढ़ा दूध का गाढ़ा है। मेरे को ये टाइड वाले से पता नहीं कि बेटर लगे। नमस्कार, जय हिंद। जैसा एक और ने बताया कि आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एकदम भयानक तंदूरी मेयो ऑफ थ्री डिफरेंट ब्रांड्स। ये पहले कभी मैंने ट्राई नहीं करा है तंदूरी मेयो कॉन्सेप्ट, मेरे को शायद अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। एग्जैक्टली, मैंने सबवे में एक दो बार खाया है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो किस ब्रांड का सॉसेज यूज करते हैं या फिर खुद ही बनाते हैं, बट वो अच्छा लगता है। लाइक अगर आपका इंडियन पैलेट है एंड यू नो थोड़ा सा जिंगी अच्छा लगता है तुमको, मसालेदार, ये तुमको पसंद आएगा। एंड वो तंदूर वाला इफेक्ट दे देगा। तो भाई मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि मेयोनेज है, कुछ फ्लेवरफुल है और उसमें तंदूरी वाला इफेक्ट है। मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ, बट पता नहीं। प्रॉबेबली अगर वैसा हो जाता है तो वो मैजिकल है। हालांकि मसालेदार रहता है, इतना मैं श्योर बोल सकता हूँ। तो अगर आपको अपना सैंडविचेस या बर्गर या जो भी आप चीज़ यूज करते हैं उसमें आपको मसालेदार फ्लेवर चाहिए, तो हम आपको आज तंदूरी मेयो बता देंगे कि कौन सा बेस्ट है, फिर आप जाके खरीद लीजिएगा एकदम। और हम लोग क्या है कि बेस्ट बाइंग लिंक्स भी आ रहे हैं, डाल देते हैं एकदम, ताकि आपको यू नो सस्ता सुस्ता और एकदम बढ़िया डील हमारे साइड से मिल जाए और कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एग्जैक्टली, सब मिल जाए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक दियारा मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग रिव्यूज के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन है, एक घंटा बना रहेगा, उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो पता चल जाएगा आपको कैसे आता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो चलते हैं रिव्यू को शुरू करते हैं। तो जल्दी से बता देते हैं कि आज के रिव्यू में हम लोग करने के वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे और हमारा भी बहुत मन था तंदूरी मेयो को रिव्यू करने का। तो आज हमारे सामने है तीन ब्रांड्स, विबा, विनग्रीन्स एंड डॉक्टर ओटकर। इसके अलावा एक डेलमोंटे का भी आता है, पर वो बहुत ही ज्यादा रेयर बन चुका है, लीफ का नुकसान हो चुका है, तो वो हम लोग बाद में इसमें से जो बेस्ट निकलेगा एक बार उसके साथ भी कंपेयर कर देंगे। अवेलेबिलिटी पर अभी तो हम लोग तीन ब्रांड्स के, ये सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, जिसके भी अच्छे लगे कर लीजिए। तो शुरू करते हैं विबा से स्टार्ट करते हैं। विबा आता है सबसे चीप इन तीनों में से लॉट में। ओके, तो इसका 250 ग्राम आपको मिल जाएगा 89 रुपीज में, और मतलब महंगा सस्ता कुछ नहीं है, मतलब सब 19-20 के हैं। हाँ, एक ग्राम के अगर हम लोग वेट चेक कर रहे थे तो इसका आ रहा था 35 पैसा, इसका आ रहा था 36 पैसा, इसका आ रहा था 37 पैसा। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब एक बारबेक्यू का फ्लेवर। एग्जैक्टली, इसको स्मेल करके भी काफी अच्छा, वो बारबेक्यू और तंदूरी वाला इफेक्ट दे रहा है। ऐसा टैंगी होता है, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये होता है, मतलब बारबेक्यू का थोड़ा सा फ्लेवर है, बट यू नो इट हैज द इंडियन टच है, मसाला वाला एक टच है इसमें। तो यू नो विवा कमर्शियल सॉसेस में बहुत ज्यादा अपना एक्सपर्टीज बताता है और है भी। लाइक इसके सॉसेस जनरली आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। नहीं करेगा, सही में यार। एक हर्ब और एक इसमें एक हर्ब और च्यवनप्राश में एक हर्ब, एक कॉमन लग रहा है मेरे को। हो सकता है, मैं कुछ बोला नहीं जा सकता है, बट you know this has that Indian-y masala flavor जो कि actually तंदूर के marination में आप use कर सकते हैं, ये वैसा चीज है। चलते हैं विनग्रीन्स की तरफ। भाई एक अच्छा टेस्ट तो है, मसाला भी है इसमें, किसी कोई एक पाचक में कोई गोली खाता था उसका एक है, आई गेस वो सारा मसाला जाता ही है। हाँ, तंदूर इसमें भी काफी मसाला था। दिस इज नाइस, दिस इज एक्चुअली थोड़ा स्मूथ और एकदम डिफरेंट है। हाँ, ये इससे विबा से ये थोड़ा स्पाइस एंड पे भी है थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा तीखा लग सकता है। मेरे को दोनों ही अच्छा लगता है। और जब मैं बैक टू बैक टेस्ट करता हूँ ना, अच्छा तो लग रहा है। द फनी थिंग इज, जब डॉक्टर ओटकर को स्मेल करा था इससे और इससे थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्मेल आ रहा था, ये हमेशा कुछ उल्टा सीधा कर मेरे को फिर से सब्जी का स्मेल आ रहा है। पर सेफ साइड है कि ये तंदूरी में हुआ है,
तो इसमें से सब्जी का आ ही सकता है थोड़ा सा। अच्छा, भिंडी का सब्जी बनाया। हाँ, ऐसा लग रहा है प्याज आज भून के कुछ पीस दिए। पिछला बार पटल का सब्जी था, परवल का। अरे ये एकदम एकदम वैसे ही लगता है, पता है सब्जी मतलब कड़वा सब्जी। जस्ट उसको तुम पिज्जा पास्ता सॉस को मेयोनेज में मिला तो वैसे ही लगेगा। मिक्स चिप्स करके ही अपना लगता है सामान बनाता है। एक प्रोडक्ट बना दूसरा मिक्स करके ये तीसरा प्रोडक्ट है। नहीं, डेफिनेटली आपको ये दोनों के बीच में ही कोई चूज करना होगा, बिकॉज डॉक्टर ओटकर यू नो सस्ता है और ऑल्दो बट पता चलता है कि ये यू नो मार्केट में कंपटीशन में लैक करता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जो इसका क्वालिटी का ये है, आई मीन इसका जो इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी है, इट्स नॉट वेरी गुड आल्सो। अभी तक तो नहीं लगा। और ये जैसे निकल रहा था, ये तंदूरी मेयोनेज बोलता है, क्लिप वहां दिख रहा होगा कहीं पे, का टाइप का निकलता मतलब, या तो पूरा निकलेगा एक बॉटल पूरे एक बार, या तो कुछ नहीं निकलेगा, यही बोला था। चार जड़ा के आपको चम्मच से ही यूज करना पड़ेगा। वो निकाल रहे थे अलग ढंग से, हम लोग पूरा ऐसे निकाल रहे थे। ये क्या है कि ये पोर हो जाता है। हाँ भाई, रनिंग है। अब ऐसे से करके इजीली आप ड्रेसिंग कर सकते हो। ये है इसका कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये तो थोड़ा जोरदार है। कंसिस्टेंसी वाइज ये बहुत अच्छा है, लाइक रेडी टू यूज कंसिस्टेंसी। अब इनमें ग्रीन्स है ना, आई एम लाइकिंग विद ग्रीन्स ना, अच्छा लग रहा है। ये तो हटाते हैं जीन से। और प्राइस भी ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप क्वालिटी और अच्छा तंदूरी में वो चाहते हैं तो, और 19-20 का ही अंतर है, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है देखा जाए तो। तुमको कौन सा बेटर लग रहा है? मेरे को टू बी ऑनेस्ट विनग्रीन्स बेटर लग रहा है। मेरे को भी एक्चुअली क्या है ना कि ये मसाला फॉरवर्ड है, इसमें मसाला का एकदम होलसम फ्लेवर आ रहा है, बट विवा में थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है, लाइक जो बारबेक्यू वाला जो फ्लेवर है। ये मैं दूंगा उसको, ये सही बात बोल रहे हैं, जो बारबेक्यू वाला स्मोकी फ्लेवर है वो इससे आ रहा है, सही बात है। बट द थिंग इज इसका एक या दो स्पाइस है जो मेरे को बॉदरिंग है, थोड़ा अलग डायरेक्शन पे ले जा रहा है, वो मेरे को एंजॉय नहीं करने दे रहा है वो बारबेक्यू और तंदूरी वाला। एग्जैक्टली, और यू नो जब मैं सोच रहा हूँ कि जो कुक मीट रहेगा या जो कुक वेजिटेबल रहेगा मेरे सैंडविच या बर्गर के अंदर, उसको कौन सा बेटर कॉम्प्लीमेंट करे। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा था अभी, बिकॉज़ ये ऐसा चीज है कि यू नो एज अ साइड ही जाएगा, मतलब ये हीरो नहीं हो सकता किसी डिश का, बट ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड आई सी विनग्रीन्स कॉम्प्लीमेंटिंग बहुत अच्छे से विनग्रीन का, यू नो। बट मतलब ये बोलना पड़ेगा कि विवा क्वालिटी है इसके, बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है कहीं ना कहीं से आ रहा है, इट्स मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ। बट जी, टेस्ट वाइज, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज, लुक वाइज, आई थिंक विनग्रीन बेस्ट है हमारे हिसाब से। आप इसको सैंडविचेस के साथ यूज करिए, डिप्स के साथ यूज करिए, या फिर इसको मतलब वो स्प्रेड एज अ स्प्रेड जी, जो भी है। तो भैया देखिए, बुरा तो लगता है कि जब छटता है कोई अच्छा ब्रांड, बट यू नो किंग इज द किंग। मतलब आपको फर्स्ट मिल रहा है बट आपको सेकंड भी मिल रहा है, वीबा इज सेकंड वन टू। आप शॉक्ड रह जाएंगे, इतना नतीजा उड़ाया था हमने, उतारा था इसका चीज वाले वीडियो में। जलापेनो डिप्स आप चेकआउट कर सकते हैं भाई, बहुत नतीजा तो उड़ा। नाइटमेयर नाइट का विनग्रीन्स का इतने सारे अच्छे अच्छे चीज आते हैं। हाँ। वो जलापेनो डिप में क्या ब्लंडर किया था भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपको यू शुड वॉच इट एक्चुअली, रिकमेंड यू। एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि डी आर वेरा में भैया अनबायस, एकदम प्योर अनबायस रिव्यू करते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आपके लिए और हमारे लिए बेटर है, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग बेस्ट चीज़ आपको सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो विनग्रीन के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करिए। काफी अच्छा चीज है, अगर आपको तंदूरी में ट्राई करना, आपका पहला टाइम है, शुड गिव इट ट्राई, काफी अच्छा लग सकता है आपको। तो यही था आज का सिंपल शॉर्ट इनसाइटफुल एंटरटेनिंग रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खास करके जो ऐसे स्पाइसीस एंड कॉन्डिमेंट्स में डील करते हैं, मतलब अपने घर में जो ये सब चीज बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटल है, और काफी यंगस्टर्स ही ये सब यूज करता है। हाँ, मैं मतलब ये मेरा पहला बार था तंदूरी में, एंड आई वाज शॉक्ड
कि विनग्रीन्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो प्लीज़ अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सजेशंस दें, आपको कौन सा बेटर लगता है, क्यों लगता है, एंड इन जनरल कोई भी ऐसा आइडिया आता है जो आप हमें रिव्यू करते हुए देखना चाहते हैं, प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू नो। एंड और एक है बात कि इसका 1000 आइलैंड का भी वीडियो आने वाला है अपने चैनल पे, तीनों जो ब्रांड्स थे उसके 1000 आइलैंड भी मंगवाए गए हैं, तो उसका भी रिव्यू एकदम आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, तो प्लीज ट्यून्ड रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें एंड हमेशा खुश रहें।